जो हमारे लोग हैं, जो हमारे छोटा व्यापारी है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करे गवर्नमेंट, उनको जहर दे ताकि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो है वो यहाँ पर जिंदा रह सके, बाकी के सब जो हैं वो भगवान को प्यारे। सभी के साथ मीटिंग चल रही है और इस तरह का रवैया अगर चलता रहा तो ये जम्मू जो है एक बार फिर बम बम बोले की जो एजुकेशन है उसको देखेगा, और आने वाले दिनों में जितनी भी हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो बार है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंडस्ट्री है, हर एक को मिल करके एक आप देखेंगे एक टेबल पे बैठेंगे और एक ऐसा माहौल यहाँ पर होगा कि जम्मू में जम्मू की जो एलजी गवर्नमेंट है उसको ये समझना पड़ेगा। जम्मू के साथ में अंपायर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जम्मू के साथ में अंपायर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुधवार को क्या है? जम्मू बंद, जम्मू बंद। बुधवार को क्या है? जम्मू बंद, जम्मू बंद। जम्मू के साथ में आपस में बैठ करके डिबेट करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोजिशन ये है कि ये लोग जो हैं डिबेट से भागते हैं और डिबेट करने में इन लोगों को परेशानी आती है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जब भी हमें डिबेट के लिए बुलाया जाएगा, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा ईगो इतना ही है कि ये जो चीज़ें हैं इनको बंद होना चाहिए, जम्मू के साथ इनजस्टिस जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। जब भी हमें इसमें बुलाया गया, जब भी हमें बुलाएंगे डिबेट के लिए, डिबेट के लिए जब भी बुलाएंगे हम जाएंगे। सर ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा आउटलेट जो है वो खुले हैं, चाहे वेबॉल की बात की जाए, बिग बाजार की बात की जाए, इजी डे की बात की जाए, तो तब ऐसा प्रदर्शन। इतना मैं ये जरूर कहूँगा कि इनकी वजह से भी हमारा जम्मू का ट्रेड डिस्टर्ब हुआ है। पाल मार्ट इसलिए खुला था कि ये उसका लाइसेंस जो था B2B था, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अनदेखा कर दिया। लोगों को परमिट किया गया B2C में, हमारे लोग बहुत सारे लोग जो हैं इसमें दुखी भी हुए, उनकी सेल्स ख़त्म हो गई, उनके बिजनेस ख़त्म हो गए, और आज जो पोजीशन है इस तरह का मुझे नहीं लगता। देखिए अगर हम रिलायंस की बात करें, वो एक ऐसी फर्म है जो इंटरनेशनल फेम की फर्म है, उनके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेड होंगे वो जो यहाँ से एक्सपोर्ट करें ना, उनकी जो इश्यूज़ हैं वो करें। छोटे छोटे दुकानदारों को डिस्टर्ब करना, बल्कि इनको ये चाहिए जितना इनके पास आज पैसा है ये लोगों को बसाने की बात करें, उनको उजाड़ने की बात नहीं करें। यहाँ पर आज जो जिस तरह का एक सिस्टम बन गया है कि किस तरह से हम हर ट्रेड को जो है उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो जनरल जो हमारे लोग हैं, जो हमारे छोटा व्यापारी है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करे गवर्नमेंट, उनको जहर दे ताकि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो है वो यहाँ पर जिंदा रह सके, बाकी के सब जो हैं वो भगवान को प्यारे। हम कोशिश करेंगे कि एक भी आउटलेट ना यहाँ, अगर सरकार इस बात को नहीं बांधती है तो आने वाला इनडेफिनेट बांध मिलेगा आपको मिलेगा कि जैसे जम्मू में बम बम बोले के टाइम में हर तरफ से। आज देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हम बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो BJP है, BJP वालों की सपोर्ट जो है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, पूरी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से भी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू का आखिर देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था टोल प्लाजा हटा देंगे, हमने वो लेटर लिखा तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं इमीडिएट होती हैं, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है। मैं बाकी के इश्यूज़ जो हैं इस समय मैं रेज नहीं करना चाहता। बहुत सारे इशू हैं जम्मू के, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज का जो इशू है वो ये है कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, किस तरह से ये जो अपना ये रिलायंस वाले जो हैं वो बना रहे हैं अपने आउटलेट, वो गलत है, वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जम्मू की इकॉनमी से श्रिंक हुई है, जम्मू की इकॉनमी तो श्रिंक हो ही रही है। आज तो हर व्यापारी जो है वो हैंड टू माउथ है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कोविड के टाइम के बाद, इस कोविड के टाइम में मुझे नहीं लगता था कि गवर्नमेंट को कोई भी एक ऐसा डिसीजन करना चाहिए जब व्यापारी आगे ही मरा हुआ है। उसके लिए और एक नई इश्यूज जो हैं वो रेज कर किए जा रहे हैं। इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने तो रिलीफ की बात की थी, ये रिलीफ तो दे नहीं सकते, ना हमारे व्यापारी जो हैं इनसे रिलीफ की ज़्यादा कोई डिमांड करते हैं, लेकिन रिलीफ तो नहीं दो, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करो। सर इसमें आप BJP का रोल कैसे देखते हैं कि BJP जो है हमारे साथ है। देखिए उनको भी पता है जम्मू में जो कुछ भी हो रहा है आज की डेट में, जितना भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं उनकी जो
माइंड सेट है क्या है मुझे नहीं पता, वो लोग जो हैं हर चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हर एक जो है अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी बात रखेगा। ट्रेड को लेकर देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन के बाद ही हो रही है। 370 जो है, देखो 370 और 35 से ये जम्मू की डिमांड रही है 75 साल से डिमांड थी 72 साल में कि हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि ये हटना चाहिए, वो हटा, उसके साथ इसको मत जोड़िए। उसके साथ ट्रेड को मुझे ये लगता है कि ये जो 35 से हटना या 370 हटना, उसके साथ ये चीज़ें नहीं जुड़ रही, ये जुड़ रही हैं कि जो इस समय हमारा, क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और जो इस समय एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बन चुका है, उनका माइंड सेट जो है वो इसी बात को है कि किस तरह से जम्मू को डिस्टर्ब करना है। सर, सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे जम्मू की कोई भी प्रेस जो है वो पीछे नहीं रहेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चैम्बर की तरफ से जो होने वाली है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर मेरे साथ हर बाज़ार के प्रेसिडेंट जो हैं, और मैं ये कहूँगा कि पूरा जम्मू जो है, जम्मू शहर जो है हमारे साथ यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है। मैं कोई पॉलिटिक पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन दे रहा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियां अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज़ जो है उसको प्रेस किया जाएगा। हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे, और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे।